तो आदि पुरुष के टीजर में जो है भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ दे, लक्ष्मण को छोड़ दे या फिर दो चार करेक्टर को अगर छोड़ दे, तो बाकी जो जितने भी करेक्टर्स बनाए गए हैं वो सब CGI से ही बनाए गए हैं। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि इन कैरेक्टर्स को, इन चरित्र को CGI से क्यों बनाया गया, क्योंकि रामायण में जो है हर एक पात्र की उतनी महत्वता है जितनी श्री राम की है और जितनी रावण की है। रामायण में कोई ऐसा पात्र नहीं जिसको आप कम या फिर अधिक महत्वता दे सके, क्योंकि सभी उसमें ऐसे चरित्र हैं जिनकी आवश्यकता आपको रामायण की पूरे कहानी के लिए आवश्यक ही होगी। अर्थात रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जहाँ हर एक चरित्र, हर एक जो कैरेक्टर है वो आवश्यक है, उसका अपना अपना आधार है और उसका अपना एक महत्व है उस कहानी में। सबसे पहली बात तो यही है कि जो इसमें स्टार कास्ट दिया गया है और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके चेहरे पे वो तेज ही नहीं है कि वो किसी भी जो रोल आप देख ले, कोई भी कैरेक्टर एक आदि पुरुष के टीजर में आपको देखने को नहीं मिला जिसके चेहरे पे वो तेज हो, वो भाव हो कि ये इन रोल प्ले करने के लिए उनके लायक हैं। आप आज भी पुराने रामायण के उन चरित्रों को उठा कर देख लीजिए, अरविंद त्रिवेदी जी को देखें, उनके जो चेहरे पर एक भव्य मुस्कान होती है, उनके चेहरे के तेज को आप देख के आपको लगेगा कि सच में ये कोई महान राजा है, क्योंकि ये जो तेज होती है चेहरे पे वो किसी किसी की होती है, सभी लोग ऐसा तेज नहीं ला पाते। और आदिपुरुष के टीजर देख के हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी रोल के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो उस अपने आप को उस कैरेक्टर के प्रति पूरा समर्पित कर सके और अपने आप को उसके हिसाब से ढाल सके। और सबसे बुरी बात जो आदिपुरुष के टीजर से लगती है कि वही बात है कि आप किसी कैरेक्टर को CGI में रख रहे हो, किसी कैरेक्टर को रियलिस्टिक में रख रहे हो, तो ऐसा नहीं, आप भेदभाव नहीं कर सकते। रामायण ऐसा महाकाव्य है जहाँ सभी चरित्र अपने अपने महत्व पर टिके होते हैं। रामायण की कहानी पूरी सभी की महत्वता समान रूप से होती है, किसी के कैरेक्टर को आप कम या ज़्यादा नहीं दिखा सकते। जहाँ मैं आपको एकमात्र सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, जहाँ वृक्षराज जामवंत को उदाहरण लीजिए, जहाँ जामवंत को यहाँ भालू के रूप में दिखाया गया है, लेकिन आप अगर भी सीरियल ही देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वृक्षराज जामवंत कितने ही ज्ञानवान और गुणी व्यक्ति थे, कितने बलवान थे। 100-100 सिंहों को अपने भुजाओं से फाड़ के रख देने वाले वृक्षराज जामवंत ऐसे बलशाली थे जिनके एक वार से रावण भी स्वयं युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो जाते हैं। भगवान श्री राम जामवंत जी को वरदान भी देते हैं कि भगवान श्री राम के अवतार के अलावा उन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकते। क्या इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के अवतरण में रामवंत भगवान श्री कृष्ण के एक युद्ध में होता है। रामवंत जी है, उनका जो रोल है, उनका जो ज्ञान है, उनका जो गुण है, वो रामायण में एक विशेष योगदान होता है, क्योंकि भगवान श्री हनुमान को जब लंका जाने के लिए जब प्रेरणा चाहिए होता है तब रामवंत जी है जो उन्हें याद दिलाते हैं, क्योंकि एक ऋषि के श्राप के कारण जो है हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके होते हैं, तब वृक्षराज रामवंत ही वो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने जो भगवान श्री हनुमान को अपनी शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं। तो सोचिए आप रामायण में जो एक कैरेक्टर से जो एक चरित्र है वो कितने ही महत्वपूर्ण है। पहले से ही ये कहा ही जा रहा है कि वाली और सुग्रीव को जो है CGI वर्जन में किसी गोरिल्ला की तरह दिखा दिया गया है, तो आप सोचिए नल नील और अंगद जैसे इतने महान चरित्र को ये कैसे दिखाएंगे, क्योंकि नल नील ही वो महानतम चरित्र है जिन्होंने सर्वोत्तम योगदान दिया था श्री राम सेतु के निर्माण में, और उनकी जो इंजीनियरिंग थी वही जो श्री राम सेतु के निर्माण में सर्वाधिक काम आई थी। रामायण में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे ऐसे चरित्रों का वर्णन है जिनको अगर आप दिखाने जाएं तो आपको कई एपिसोड के आप टीवी सीरियल्स, कई भाग के आप मूवी फिल्म बना सकते हैं। हमने तो अभी श्री रामचंद्र जी की सेना में जो कुछ महान व्यक्तित्व थे, कुछ महान चरित्र थे, उनके बारे में बात किया, लेकिन आप अगर रावण की तरफ से भी देखें तो उनके पुत्र इंद्रजीत, अधिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक और त्रिशरा जैसे इतने उनके पुत्र थे, तो सोचिए आप ऐसे कैरेक्टर्स को लोग किस तरह से दिखाएंगे। और फिर बात आता है कि ओम राव जी अपना ये एक फैंटेसी वर्ल्ड बना रहा है वैसी ब्रह्मास्त्र की तरह, कि अस्त्र शस्त्रों को तो हिंदू धार्मिक आधार पर इसका प्रमोशन करो, श्री राम जन्मभूमि में अनाउंस करो, लेकिन फिल्म ये फैंटेसी ही बना रहे हैं, अपने मन से ही बना रहे हैं, तो ये कौन सा लॉजिक है भाई आपका। तो हमारे इस वीडियो को बनाने के पीछे कारण यही है कि आप रामायण में इतना बड़ा महाकाव्य है तो आप उसको किस तरह से जो है एक फिल्म के जरिए आप उसको प्रेजेंट करोगे, क्योंकि आप रामायण द एपिक को देख लीजिए, उसमें भी दिखाया गया वो कहानी एकदम सिंपल तरीके से दिखाया गया, लेकिन वो भी संपूर्ण लगता है अपने आप में ही। और अगर आदिपुरुष के टीजर की बात करें तो मैं अगर अपना बात बताऊँ तो मुझे उसमें एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगा कि श्री रामायण से जिसको लिया गया हो या फिर कोई कैरेक्टर उसमें रामायण के अनुरूप दिखाया गया हो। तो रामायण की कहानी है भारतवर्ष में बच्चे बच्चे को पता होने के बावजूद भी जो है डायरेक्टर ने अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है तो उन्हें पर्दे पे इसको अच्छी तरह से पेश करने का, भारतीय जो युवा पीढ़ी है उसको उनके सामने हमारे इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को रखने का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, जो कि डायरेक्टर ने ऐसे ही अपने मन से तो ले लिया, लेकिन अगर उसको बुरी तरह से दिखाओगे तो इस फिल्म को बैन करने तक की बात चल रही है। तो आप इसके बारे में क्या कहना है हमारे साथ कमेंट्स करके जरूर साझा कीजिएगा, और क्या आप इस फिल्म को देखेंगे और आपके इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।